बेबी बेबी हाँ जी कट गया कट लग गया अरे नहीं कट लग गया कट गया बेबी कैमरा चल रहा है चल ही रहा है गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग ऑफ सिंपली साहिल। और आप माइट भी सोच रहे होंगे कि मैं आज ऐसे क्यों, क्योंकि यार आज गलती से मैं सोच रहा था कि आज मेंस ग्रूमिंग की जाए जिसमें हम अपने आप को बहुत ही अति सुंदर शो करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं शेव करते करते मैंने इसको क्या बोलते हैं, कौन से बाल होते हैं, साइड हेयर्स एक्चुअली पंजाबी में ऐसा बोलते हैं कलम, आई एम नॉट श्योर हिंदी में, हिंदी या इंग्लिश में से क्या कहते हैं, बट मैंने अपने साइड के ना सारे बाल काट दिए गलती से, एक साइड के हैं एक साइड के हैं, अब कुछ ज़्यादा ही ग्रूमिंग होगी, सो आई हैव टू फाइंड नाउ अ डिफरेंट वे बिकॉज ऐसे मैं व्लॉग नहीं बना सकता। सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी कॉल समवन हु कैन यू नो कट माय हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि मैं थोड़ा सा सही लगूं और फिर मैं आपसे मिलता हूं। यही बताना था बस आपको, बस में तो थोड़े टाइम में। सो गाइज अब करते हैं ऑफिशियली व्लॉग की स्टार्टिंग, बिकॉज हेयर कट हमने ले लिया है और मुझे लग रहा है कि मच बेटर, जो मतलब पहले ऐसा था ना बिल्कुल ही कट गया था, चलो अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और अभी प्लान ऐसा है कि बेंगलोर में हो रही है बारिश, सुबह से मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, बहुत ज़्यादा ठंड भी हो गई थी, इसीलिए आज हमने फ़ैन भी नहीं लगाया। तो अभी हम सोच रहे हैं कि शिवान को लेके कहीं बाहर जाएं, कहीं एक्सप्लोर करें, कहीं जाएंगे नहीं, प्लान ऐसा है कि गाड़ी में ही रहेंगे बट उसे घुमाएंगे, बिकॉज काफ़ी टाइम से वो घर पे था, तो अब वो भी फ्रस्ट्रेट हो चुका है, हम भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। बट उससे पहले ये दिखाओ, ये देखो ये क्या किया है, ये शिवान का रोज़ का काम है, आता है अपने टॉयज निकालता है और उसके बाद सफाई हमें करनी पड़ती है। सो विल क्लियर लेटर, बट अभी चलते हैं घूमने। शिवान शिवान चलो चले, चलो 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 चलो, यस पापा चले घूमी करने चले, उठाओ अच्छा आओ आओ, अच्छा सबको बोलते हैं हेलो हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन आई एम फाइन। चले घूमी करने चले, कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं घूमी करने, बताओ बताओ, चलो घूमी करने चले, चलो शाइना आ जाओ। बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है, मुझे लगता है अब इस बारिश में ड्राइव करने का अपना ही मज़ा आने वाला है, देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर हो सकता है। बाकी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मैंने कल ही अपनी कार का नामकरण किया है, इसका नाम मैंने रखा है ज़ोरो, और ये मेरी बाइक है, ये एक तरह से अब डेड हो चुकी है, तो इसका मैंने नाम रखा हुआ है अनंत भाई, मुन्ना भाई वाला जो अनंत भाई है ना। इसका नाम है अनंत भाई और इसका नाम है ज़ोरो। तो बारिश का मज़ा लेते हुए चलो अब चलते हैं ड्राइव पे। मैन वर्सेस बेंगलोर में आपका बहुत ही बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं हूं संवाददाता साहिल महाजन, मेरे साथ कैमरामैन शाइना महाजन। अब जैसा कि देख पा रहे हैं बेंगलोर में बहुत ही ज़्यादा बरसात हो रही है, तो अगर आप इस व्लॉग को फर्स्ट ऑफ ऑल इन्जॉय कर रहे हैं तो पहले तो पकौड़े बना लें और चाय बना लें और फिर इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपनी जान पर खेल कर आपके लिए ऐसा कंटेंट तैयार कर रहे हैं। नहीं जो सब बात आज का विषय नहीं, आज का विषय कुछ नहीं है, हम बस घूमने जा रहे हैं, दैट्स इट। और रेड लाइट हमें मिलती जा रही है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रही है। सो आई एम होपिंग कि कोरोना चल रहा है यार, छूट तो नहीं मिल गई कहीं, हमें पता ही ना हो। बेबी कोरोना तो तुमने ऐसे कहा जैसे तुम घर पे बैठी हुई हो, है देखो ज्ञान, हाँ यही होता है, ज्ञान वही लोग दे जो घर पे बैठे हैं। सो गाइस बेंगलोर का भी सीन ऐसा है कि बेंगलोर में हो रही है बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश, और दिल कर रहा है कि पकोड़े और साथ में चाय कहीं मिल जाए, बट यार ऑब्वियसली मिल भी जाएगी पर कोरोना का ऐसा टाइम है कि बस बुलाती है पर जाने का नहीं।
हम आ गए बेंगलोर पैलेस में, बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है कि अब मैं अपना DSLR यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता और ऑलरेडी 5:30 हो चुके हैं तो पैलेस बंद हो चुका है। पहले ऐसा होता था कि पहले वहाँ पर बैरिकेड के अंदर आप जाकर पिक्स वगैरह क्लिक कर सकते थे, बट इट सीम्स लाइक नाउ दे हैव चेंज द राउट। अब आपको सबसे पहले जो है एंट्री दूसरी तरफ से लेनी पड़ती है, नॉट श्योर अगर आपको दिख रहा हो वहाँ पर जहाँ पर टेंट है उसके अंदर से, तो अब यहाँ से एंट्री बिल्कुल बंद है और ऑलरेडी लाइक 5:30 हो चुके हैं तो अब कोई मतलब बनता नहीं है हम जाएँ। तो हमने यही सोचा कि अब यहाँ तक आए हैं तो थोड़ी सी पिक्स लेंगे और इन्जॉय करेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और फिर घर चलेंगे। बाकी मौसम आप देख सकते हो बहुत अच्छा वेदर है, मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मेरी गाड़ी इतनी ज़्यादा गंदी हुई है, अब मैं आपको क्या ही बताऊँ। आई एम नॉट श्योर अगर आपको याद आया नहीं, बट यहाँ पर यू नो एक सॉन्ग शूट हुआ था, बताओ बेबी कौन सा था, गैस करो। 200 रुपये दूंगा। 10 रुपए? नहीं चलो 10 रुपए में तो मैं दिमाग में नहीं लगा। ये तो वही बात होगी, मेरे को एक मेरा दोस्त कहता आजकल तो कोई 1000 रुपए में कोई थप्पड़ भी नहीं मारता। मैंने कहा 1000 रुपए दे भाई, मैं मार के दे रहा हूँ। थप्पड़ तो 500 में। अच्छा मैं तुम्हें क्लू देता हूँ, कोई मतलब पुरानी मूवी कुछ याद आ रहा है वैसे मेरे को। हाँ बताओ बताओ बताओ। मैंने तुम्हें बताया मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि हम जब जाएंगे तो यहाँ पे कलर्स वाला कलर लेके जाएंगे। अरे बेबी मतलब मेरा यहाँ पे ना बहुत ज्यादा मन था कि मैं यहाँ पे ना वो गाना फिर से रिक्रिएट करूँ। अच्छा चलो मैं बता ही देता हूँ, हम उनसे मोहब्बत करके तो एक बार आप वो गाना मैं यहाँ पे ना कहीं पे क्लिप डाल दूंगा। एग्जैक्टली ये एक्चुअली जो गाना है वो बेंगलोर पैलेस में शूट हुआ था इतने सारे कलर्स के साथ, सो आई बिलीव आपको पता चल गया होगा कि मैं कहाँ पर हूँ। बट अभी वैसा ही है कि अब थोड़ा सा यहाँ पे इंजॉय करते हैं, परमिशन तो है नहीं अंदर जाने की, तो आज बाहर बाहर से ही दीदार होगा बेबी, पर आना पड़ेगा अभी ये। हाँ, फिर आएंगे कभी टाइम से आएंगे ना। बट लाइक गाइज अगर आप बेंगलोर में आ रहे हो तो एक बार आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। आई थिंक पैलेस के अंदर जाने की जो टिकट है वो है समथिंग अराउंड 260 रुपीज, तो फिर आप अंदर जाके, बट कैमरा नहीं अलाउड कर सकते फिर भी, उसके लिए आपको अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं। जस्ट रियलाइज कि यार जोरो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है। आई थिंक अब जोरो को क्लीन करवाने का भी टाइम आ गया है, तो सबसे पहले ये करेंगे कि हमारे शूज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर मिट्टी जो है वो काफ़ी वेट थी, सो आई डोंट वॉन्ट टू टेक अ रिस्क। तो बेस्ट ये है कि मैं हमेशा अपने लिए गाड़ी में एक पेयर आइदर शूज़ और स्लीपर्स रखता हूँ, तो अभी मैं करूँगा चेंज और फिर हम चलेंगे घर। सो गाइज अभी बज चुके हैं रात के 10 और हम आ गए बेंगलोर पैलेस से, हमने उसके बाद किया डिनर। मैडम आपको कैसा लगा आज इतना भ्रमण करके? बहुत अच्छा था और तो कुछ नहीं, पर मौसम बहुत अच्छा था, सो मौसम को हमने एंजॉय किया, ड्राइव को एंजॉय किया, शिवान ने बहुत एंजॉय किया, तो ठीक था, गुड अच्छा था। तो गाइज अभी फिर एक काम करते हैं, अभी इस व्लॉग को एडिट करते हैं और फिर आप अपलोड करते हैं ताकि आप भी देख पाओ। तो इस व्लॉग को ऐसे ही रखते हैं शॉर्ट एंड सिंपल और फिर मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो बेबी इस बार व्लॉगिंग की ना एंडिंग अब तुम करोगी। ओके बोलो बोलो क्या क्या बोलते हैं, सबसे पहले बोलो क्या क्या बोलते हैं। सो टिल देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बेबी कमेंट भी तो बोलो। हाँ सॉरी कमेंट भी। हाँ कमेंट करके बताओ आपको आज का व्लॉग का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो आप हमें अपने इंस्टाग्राम पे फॉलो करो क्योंकि हम उस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश करते हैं। ओके गाइस टेक केयर, बाय बाय। ओके।